अस्सलामुअलैकुम जी। आज मेरे जो भतीजे हैं जिनका निकाह हुआ था, आज उनकी ढोलकी रखी है, तो ढोलकी शुरू हो गई है। और ये कि मैं आपको तैयारी दिखाता हूँ कि क्या क्या हमने तैयारी की है। बाकी ये कि लोग सारे आ गए हैं और ये कि नीचे ख्वातीन जो हैं गाना बजाना कर रही हैं, तो आए चल के देखते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। मेहमानों को दिखाता हूँ मैं, ये देखेंगे। Elizabeth, this is everything for you. Thank you. I saw everything. It's so amazing. You guys stayed so late. So you know that... Oh, no, but thank you. Everything was so nice. You stayed up, like, I heard you stayed up so late. Or you guys, or was it Chachi stayed up so late? No. To decorate all. Yeah, we did that. So late, right? Yeah, me, Chachi, and her niece. But thank you. No problem. Wait, where are we walking to? Let's go. Okay, just keep going. Sofa. To the sofa. Wait, you guys. Yeah. Hello.
साथ आते लेकिन यहाँ का दुपट्टा नहीं खरीदते फिस्टी करते हैं रीट्राई रीट्राई मुझे क्या पता मजाक से बोला कोकोनट माइना माइना का है माइना या यू कैन टेस्ट या सो मैं चार्ज ले माइना सॉरी फोन किस लिए दिया है माइना को मैंने माइना को माइना को फोन अच्छा शिकायत शिकायत नहीं हां गुलाब जामुन ज्यादा इमोशन वेट कर जाएगा मेरा या मैं लाइए तो ऊपर रखना है मामा बेटी बेहतर है अरे भैया ऐलान कर दूं नहीं खाना नहीं खाना खा लेता खा लेता So everyone's standing in line to feed us. I was gonna take my kid in his mouth. Thank you. Finally married. Big big picture ले लो. चाची साथ पिक्चर लेनी है? हाँ. चाची के साथ. हाँ. अरे चाची को देना था ये बुके. नशात तुम इसको आसिम को ये बुके दो. हाँ भाई और ये हाँ सर बहुत थैंक यू तुमने तो बिल्कुल सही कहा पप्पा लिया हाँ ओह हाँ तो सब एक एक करके खिलाएंगे हम लोग को इस रस्म का कोई नाम है इसका कोई नाम नहीं है मिठाई बांटना मतलब मिठाई खिलाना बस रसम हाँ वो क्या मांग रहा है मिठाई खिला दो दे दो हाँ फ्रूट दे Finally married. Okay. Sit by Justin. You can sit here. I forgot about you, I'm not sorry. I'll be there. No, give her food. Oh, yeah, she wants food? Like, it's part of the trick.
I was kidding, I'm sorry. I've been playing. Thank you.
बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त बहुत खाना है भाई एजम खाना कैसा यू नो और यू डोंट नो नो इट्स गुड ऑलराइट नहीं नहीं सब खा रहे जी ढोलकी की तकरीब ख़त्म हो गई है सारे मेहमान तकरीबन जा चुके हैं खास कुछ लोग बच गए तो ये कि काफ़ी अच्छी रही तकरीब और ये कि थकन काफ़ी हो गई है नेचुरली जब आपके घर में प्रोग्राम होता है या कोई ऐसी दावत होती है तो आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं तो नो डाउट थकन हो गई है लेकिन ये कि सब ने इंजॉय किया ख़ासतौर पर आसिम और लिज ने बहुत इंजॉय किया और लोगों को खाना पसंद आया तो होपफुली अरे क्या यार बोलने तो यार देखो लोग बोलने भी नहीं देते नहीं लेकिन ये कि सब ने इन्जॉय किया और ये कि इस तरह से हमारी ढोलकी की तकरीब जो है आज ख़त्म होती है होपफुली आपको पसंद आएगा नेक्स्ट वीक जो है इनका रिसेप्शन है तो इंशाल्लाह फिर मैं उस वक्त वीडियो बनाऊँगा क्या क्या हंस रही हो